ये हमारी 7 सूत्रीय मांगे हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार जो है वर्तमान में मतलब प्राइवेट बसों को राष्ट्रीयकृत मार्गों पर जो है अवैध रूप से उनको परमिट देने की कार्रवाई ला रही है। सरकार द्वारा जितने प्रदेश में मार्ग बन रहे हैं, एक्सप्रेस वे, हाईवे जो बन रहे हैं, सरकार उनको प्राइवेट ऑपरेटर्स के लिए उसको खोल रही है। और प्राइवेट ऑपरेटर्स को खोलते हुए एक तरह से वैसी प्रदेश में इतनी बड़ी डग्गामारी हो रही है। तमाम हमारी सड़कें पर जो है, जो हमारे राष्ट्रीयकृत मार्ग मात्र 7% हैं, उन पर अवैध डग्गामारी पूरे जोर शोर से पूरे उत्तर प्रदेश में चल रही है। 93% अराष्ट्रीयकृत मार्ग हैं, तो उसके बावजूद भी 7% मार्गों पर भी सरकार द्वारा अनधिकृत कब्जा प्राइवेट ऑपरेटर का कराया जा रहा। नए बनने वाले मार्गों पर भी जो एक्सप्रेस वे हाईवे हैं उन पर को प्राइवेट ऑपरेटर को दिया जा रहा। इस तरह से परिवहन निगम के अस्तित्व को, जो ये उत्तर प्रदेश परिवहन निगम है, जनता को सुलभ और सस्ती सुविधा उपलब्ध कराता है और तमाम ही हमारे बस अड्डे विकसित हैं, तमाम महिलाओं को आने जाने में हमारी बसों में कोई संकोच नहीं होता। प्राइवेट ऑपरेटर्स को आप देखते हैं किस तरह से महिलाएं प्राइवेट बसों में बैठते हुए झिझकती हैं, उसमें यात्रा करने से बचती हैं। तो ऐसे हालात में जब प्राइवेट ऑपरेटर्स को इस तरह से समानांतर छूट दी जाएगी तो फिर परिवहन निगम का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जिससे प्रदेश की जनता को भारी कष्ट झेलना पड़ेगा। जहाँ यह उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में काम करने वाले 55,000 जो हमारे कर्मचारी हैं वो एक तरह से बेरोजगार हो जाएंगे, उनके परिवार जो हैं का भरण पोषण बंद हो जाएगा। और इस प्रकार सरकार जो है तमाम विभागों को बेचने की कार्रवाई कर रही है, चाहे वो हाइडिल की कार्रवाई हो, चाहे BSNL की कार्रवाई हो, चाहे रेलवे के विरुद्ध कार्रवाई हो, चाहे LIC के विरुद्ध कार्रवाई हो, चाहे बैंकों में मर्जर के नाम पर जो तमाम तरह की ये कार्रवाई चली, जितने भी सरकारी सेक्टर्स हैं सरकार उनको पूरी तरह से कमजोर करके पूंजीपतियों के हाथ में जो है सरकार पूरी व्यवस्था को लेने जा रही है देश की। और इस तरह से रोडवेज कर्मचारियों ने इसको बिगुल के रूप में लिया है। और ये संकल्प हमारा तब तक जारी रहेगा कि हम परिवहन निगम के अस्तित्व को बचा करके रहेंगे और सरकार को घुटने टेकने पर हम विवश कर देंगे।